समाजवाद की राजनीति की धारा की खूबसूरती है कि एक बहुजन समाज की बेटी यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ी है। एक तरफ ये वामपंथी है, एक तरफ ये नाजीवादी है, इनके बीच में समाजवाद की जड़ों को स्थापित करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। मैं एक शम्मा जलाई है इन आंधियों के खिलाफ। अपनी बातों को शुरू करने से पहले, जो ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी है, जिसे लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, वहां पर जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतें लगी है उसे लूटने में, हम उसका इस मंच से कड़ी निंदा करते हैं। मैं बिरसा और जयपाल मुंडा की मानस पुत्री और किसान की बेटी, वहां के किसानों और आदिवासियों के संघर्षों के साथ खड़ी हूँ। बिहार, असम और केरल में जिस तरह से लोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, उनके इस विपत्ति की घड़ी में मैं, मेरी पार्टी और मेरा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से एनईपी के नाम पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। स्कूलों को, विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को ये लोग निजी हाथों में सौंप कर हम जैसे वंचितों, अकलियतों, दलितों, पिछड़ों, अधिकारियों को शिक्षा से रोक रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर हमें शिक्षा मिली तो हम इनका काला इतिहास जान जाएंगे। हमारी अज्ञानता ही इनका ज्ञान है। प्राइवेटाइजेशन आरक्षण और सामाजिक न्याय विरोधी है। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। बिना सभी वर्गों की भागीदारी के ना तो ये समाज, ना देश और ना यहाँ की संस्थाएं लोकतांत्रिक बन पाएंगी। इसलिए आरक्षण पर हमला हमारे लोकतंत्र पर हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। मैं इस मंच से फातिमा शेख, वीरांगना फूलन को याद करते हुए संस्थागत हत्या जो पायल तडवी की गई, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उन जातिवादी हत्यारे डॉक्टरों को चुनौती देती हूँ कि अगर आगे से किसी भी बहुजन समाज की बेटी महिला के इज्जत, स्वाभिमान और सम्मान को कुचलने की कोशिश की गई तो हम इसका जवाब वीरांगना फूलन के अंदाज में देंगे। ये आपसे छुपा नहीं है, ये हम भी इससे छूटे नहीं, आप भी इससे छूटे नहीं कि किस तरह से इस बहुरंगी भारत को एक पर्टिकुलर रंग में, एक हिंदुत्व के रंग में, एक भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। मॉब लिंचिंग की एक नई संस्कृति इस कैंपस में, इस पूरे देश में गढ़ी जा रही है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए ये गोरक्षक गाय के नाम पर मुस्लिमों और दलितों की हत्या करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो लोग यहाँ शांति और सौहार्द के खिलाफ है, उनके खिलाफ मेरी पार्टी और मेरा संगठन सीना तान कर खड़ा है। किसी भी कीमत पर हम भारत के इस साझी विरासत को, इस गंगा जमुना के तहजीब को खत्म नहीं होने देंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम पर जो लोग सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, साथी आपने जो कश्मीर में किया वो किस डेमोक्रेसी का उदाहरण है? बारूद के ढेर में कश्मीरी आवाम को रखने की इनकी कवायद जारी है। हमारे लिए कश्मीर भूगोल के मानचित्र का एक खंड मात्र नहीं है, वहां की कश्मीरी आवाम हमारी है। ये लोग नारा लगाते हैं, भारत माता कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। इन्हें सिर्फ वहां की महिलाएं चाहिए, वहां की जमीनें चाहिए। साथ ही आज कश्मीर है, कल आप होंगे, कल हम होंगे। इस जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन?